हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। नया दिन और नई शुरुआत। सो आप सब कैसे हो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरा सारा काम हो चुका है और बच्चे स्कूल जा चुके हैं और उनको उनके लिए मैंने लंच बना दिया था। सुबह ही इतना ही लंच बनाती हूँ बच्चों के लिए। सो आप बनाएंगे लंच अपने लिए और हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए। और मेरे फेस पर बच जाइएगा, फेस पर मेरे सोइलिंग आ जाती है राइस खाने से। सो कल रात राइस खा लिए थे ना, सो उसकी वजह से सोइलिंग आ चुकी है। सो मैं बना रही हूँ आज दम आलू। सो आपको दिखाऊंगी मैं दम आलू की रेसिपी। सो आप देखिएगा और आप भी बनाइएगा दम आलू। ईजी से ही बनाऊंगी, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट तरीके से नहीं बनाऊंगी। सो चलिए आपको दिखाती हूँ दम आलू की रेसिपी। गाइस चलिए देखिए मैंने तैयारी कर ली है दम आलू बनाने की। सो गाइस चलिए मैंने तैयारी कर ली है, मैं आपको दिखाती हूँ दम आलू की रेसिपी। ये मैंने आलू काटे हैं, ये 800 ग्राम आलू होंगे। चार टमाटर हैं इसमें, चार ही हरी मिर्च काट ली थी। और इसमें ये चार मोटी प्याज और लहसुन होंगे, 10 कलियां लहसुन की। और ये कुछ खड़े मसाले, तो देख सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग जितने डालने हो। इसमें हैं तेज पत्ता, जीरा, लौंग, इलायची। तो इधर कढ़ाई है, अभी गर्म करेंगे। गाइस देखिए इसमें मैंने सरसों का तेल डाल दिया है और इधर भी मैंने सरसों का तेल। ये प्याज और मसाले भूनने के लिए, फिर उनका पेस्ट बनाएंगे ठंडा करके और इधर आलू फ्राई करेंगे। सो देखिएगा अभी। सो गाइस देखिए ये हमारा ऑयल गरम हो गया, इसमें हम डालेंगे खड़े मसाले। ये मैंने दिखाए थे आपको, इसमें बड़ी इलायची, छोटी इलायची और कुछ लौंग, काली मिर्च, तेज पत्ता। सो ये खड़े मसाले मिक्स हैं। सो मैंने मिक्स हल्के ही ब्राउन करने हैं, ज़्यादा जलाने नहीं है, फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। तो इसमें डालेंगे अब ये कटी हुई प्याज। सो चार प्याज और 10 लहसुन की कलियां। इनका हमें पेस्ट बनाना है ना, इसलिए मोटी मोटी ही काट लें, क्योंकि मिक्सी में पेस्ट करना है, नहीं करनी है सफ़ेद करनी है। ठीक, थोड़ा सा भुनने के बाद इसमें टमाटर ऐड कर देंगे, काजू भी इसी में ऐड कर देंगे। तो इन्हें सॉफ्ट होने तक पका लेंगे मसालों को, सबको सॉफ्ट होने देंगे। देखिए मैंने इसमें नमक नहीं डाला था, अब डाल दिया, थोड़ा जल्दी हो जाएंगे, इसलिए नमक डालने से जल्दी गल जाते हैं टमाटर वगैरह। तो इन्हें अब ढक के पकाएंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे सॉफ्ट होने तक। अभी हमारा तेल गर्म हो गया, अब हम इसे इसमें आलू डालेंगे। तो इसमें आलू ऐड कर देंगे। मैंने आलू डाल दिए हैं और आलू का साइज इतना होना चाहिए, ज़्यादा छोटा नहीं, फिर वो मैश हो जाएंगे जल्दी। तो थोड़ा बड़ा ही साइज रखें, मेरे बड़े साइज के आलू थे। तो देखिए अभी नहीं हल्के ब्राउन होने तक भूनेंगे। तो गाइस देखिए इधर हमारे मसाले सॉफ्ट हो गए हैं, तो बस इन्हें सॉफ्ट ही करना था, अभी से इन्हें ठंडा होने देंगे। ठंडे के मैंने इसे प्लेट पे कर दिया है मसाले को, और इसे पैन में रख के आएंगे, ठंडा हो जाएगा जल्दी। इतने हमारे आलू फ्राई होंगे। तो चलिए गाइस देखिए इधर हमारे आलू ब्राउन होने लगे हैं, तो इतने ही रखेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, फिर जल जाएंगे। तो देखिए मैंने एक साथ डाल दिए थे तो प्रॉब्लम हो रही है, आप थोड़े थोड़े करके भून सकते हो। तो देखिए अब इन्हें निकाल लेंगे। सो गाइस देखिए ये हमारे आलू हैं, अब इसमें हम फोक की मदद से इसमें कुछ ऐसे बीच बीच में छेद कर देंगे इसमें, जिससे मसाले अंदर भी चले जाएँ। सो ऐसे ही सारे आलू कर लेंगे। सो इस तरीके से आप थोड़ा सा, क्योंकि आलू में फ्लेवर अच्छे से बैठ जाए मसाले का। मेरा जीरा भुन गया, फ्लेम को मीडियम ही रखें, बिल्कुल लो पे, वरना मसाले जल जाएंगे। चाहे थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दें, क्योंकि जीरा गर्म हो जाता है ना, फिर एकदम इसमें मसाले डालेंगे तो जलने के ही वो रहते हैं, फिर टेस्ट ख़राब हो जाएगा। सो गैस मैंने ऑफ कर दिया थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा मीडियम ये पेस्ट डाल दूंगी। तो इस तरीके से हमारे मसाले नहीं भुनेंगे,
तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए, मसाले हमें तुरंत ही नहीं डालने चाहिए तेल, क्योंकि काफ़ी जल्दी गर्म हो जाता है। देखिए इधर हमारे मसाले भुन चुके हैं और इसमें हम ये पेस्ट डाल देंगे। तो मैंने ये मिक्सी में पीस लिया था, तो ये अब इसमें ये पेस्ट ऐड कर देंगे। अब इसके साथ अच्छे से मसालों को भूनेंगे। तो मुझे ग्रेवी ज़्यादा चाहिए होती है तो मैंने इसलिए, क्योंकि दम। देखिए हमारे ये मसाले भुन चुके हैं, अब इसमें मैं पानी डालूंगी, वो भी गरम गरम पानी डालेंगे। इसको बंद कर दें। तो देखिए अब इसमें गरम पानी ऐड कर देंगे हम। आपको ग्रेवी जिस हिसाब से रखनी हो, ठीक रखनी है ठीक रखिए, थोड़ा सा ग्रेवी ग्रेवी की तरह ही ठीक, ज़्यादा अच्छी नहीं लगती ना, दम आलू ड्राई हो जाते हैं फिर। सो देखिए जब इसमें नमक ऐड करेंगे, नमक हमने आलू में भी डाला था और उसमें मसाले में भी डाला था, उस हिसाब से चेक करके नमक डालें। एक बार चेक कर लें आप नमक। ये मैंने सारे आलू डाल दिए हैं इसमें, तो थोड़ी ग्रेवी रखेंगे, ये पकने के बाद थोड़ी थिक हो जाएगी क्योंकि इसमें हमने काजू डाले हैं। सो अगर आप थोड़ी सी ड्राई रखना चाहते हो तो पानी कम है। सो गाइस देखिए मैंने बना लिए हैं दम आलू। तो देखिए इधर, सो आप भी ट्राई कीजिएगा, बना के देखिएगा, काफ़ी अच्छे लगते हैं, कभी कभी बनाने चाहिए काजू के साथ। और ये देखिए, ये मैंने जेसिका के लिए कर दिया है लंच, पराठे के साथ, चावल के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। सो एक बार बना के ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। तो ये आज का लंच है हमारा। चलो ऊपर चलते हैं, मुझे रानी सारी है, नाने जा रहा हूँ मैं तो, और आपको दीदी भी आ रही है, मौसम दिखा देंगी वो। चलो बारिश दिखाऊंगा मैं, अभी अभी दिखाऊंगा, वो अंधेरा हो गया बारिश, कोई बात नहीं, लाइट जल जाती है कभी भी। सो देखिए ये है यहाँ की बारिश, आज बहुत दिनों बाद आई है, बिल्कुल तेज। जा तो ओ यार कितनी मस्त हवा चल रही है। पानी पानी नहीं, भाग उठ गए सर पे। पेड़ों के ऊपर जा रहा है पानी। गीला हो गया कैमरा, कैमरा नहीं हुआ। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ ऊपर क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी है। सो चलो चलते हैं, और वो मोटू अभी आएगा। सो मैं पहुँच गया हूँ अभी एसी वाले रूम में, और मैं पढ़ाई करूंगी, और ये भी आ चुका है। तेरी है, लड़ मत, पीछे भी दे दे प्यार से। लग गए गाइस देखिए क्या कर दिया, कुछ नहीं किया। ओ चल दे, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज बवलवी। चल बता एक कुछ, देख तेरे पास दो वो हैं ठीक है, मुर्गा पहले आया या अंडा, बता बता। एक इजी क्वेश्चन या फिर 20 हार्ड क्वेश्चन, बता। 20 हार्ड क्वेश्चन ठीक है। पहले मुर्गा आया या अंडी? सॉरी, पहले मुर्गी आई या अंडा? पहले अंडा आया।
गलत गलत पहले मर गया है। आप तो बार बार चेंज नहीं कर सकता। अंडा है तू अंडा। डू 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 आर्मी कुछ कुछ तेरी गर्दन करती मैंने। आपको भी करता हूँ मैं, सुबह भी करता हूँ, और इससे जल्दी उठता हूँ और ये आराम से सोया रहता है ऐसे करके। टू डू डू टू डू मुझे सबसे बढ़िया आता है यहाँ मजा, और इसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं आता। ये तो हेम बागल, इस पर ध्यान मत दिया करो, मैं मार दूंगी लग गई तो मेरे। गाइस आज मैं भाग गया था, मतलब मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। कोई काम कर रहा था वैसे यहाँ पे। ओह सॉरी। सो चलिए मैं आपको अपनी इंग्लिश की राइटिंग दिखाता हूँ। गुड मिला है मुझे गुड, और इसकी इसकी तो है ही बेकार सी। क्या है हटेगा हटा, और मेरा यूट्यूब स्टार्ट होने वाला। देखो गाइस इतना बड़ा बड़ा चाटा मार दूंगी, हट जा। चलो छोड़ो, आप मेरी राइटिंग तो देख ही सकते हो कितनी बढ़िया है। देखो गुड, अभी तो बहुत है, इतना सारा काम करना पड़ता है मुझे स्कूल नहीं घर पे, और मुझे डांट भी पड़ती कभी कभी। देखो ये रहा ये रहा, मेरा सारा काम कंप्लीट रहता है क्योंकि मैं क्लास मॉनिटर हूँ। मुझे नहीं मनाते, गंदे बच्चे को मनाते। तू वो गंदा बच्चा तू है, क्या कर रहा है ये, क्या कर रहा है। चीनी री 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 री। और तेरा फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? मेरा रहन दो। गाइस हम कुछ और बात करते हैं। हाँ बताओ, मेरा फेवरेट सॉन्ग है वो क्या नाम, सॉन्ग की हिंदी पता है, फुल फॉर्म पता है, वो फेवरेट सॉन्ग कौन सा? जल्दी बोल, जल्दी ओ ओ बोलियो फिर से बिना हिले। ओ ओ अकीद समझो मैं ओ चलो ओए आ करियो आ आ अगर अगर तो गाइस सारा दिन निकल गया, सारा दिन खत्म हो गया। सो देखा आपने, मैंने दम आलू की रेसिपी दिखाई आपको, ट्राई जरूर कीजिएगा, एक बार बनाइएगा घर में, काफ़ी अच्छी लगती है दम आलू। सिंपल तरीके से, ज़्यादा कुछ नहीं, काजू उसमें काजू ऐड कर दीजिए, अगर काजू नहीं है तो उसकी जगह क्रीम डाल लीजिए, क्रीम भी चल सकती है, अगर क्रीम भी नहीं है तो थोड़ा दूध डाल दीजिए, ठीक है, तो उससे भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि काजू ही चाहिए, ये क्रीम उससे भी काफ़ी अच्छा आ जाता है। अगर आपको कोई भी दम आलू की रेसिपी में मतलब कुछ रह गया या कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि रेसिपी किस तरीके से थी, क्योंकि मैंने दोनों ही काम एक साथ किए थे, इस कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको। सो देखिए अब बच्चे क्या कर रहे हैं। ये इरन लविस अपने होमवर्क में बिजी हैं। लविस सो ये स्कूल के होमवर्क में बिजी हैं, और जस्सिका भी, जस्सिका सो दोनों अपने होमवर्क में बिजी हैं। सो अभी बिल्कुल भी बात करने के दोनों मूड में नहीं है। तो गाइज आपको अगर ब्लॉग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे ब्लॉग्स टाइम से ही वॉच करते रहो। सो देखिए इधर, हाय गाइस, सो अपने होमवर्क में बिजी हैं। सो मिलते हैं कल नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।